हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर के घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। एनआईटी हमीरपुर के डायरेक्टर टर्मिनेट, जांच में सही पाए गए उन पर लगे आरोप। ऊना में 22 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ में जुटी पुलिस। मंडी में कांग्रेस की किसान संवाद रैली में गुटबाजी जग जाहिर, खूब हुआ हंगामा। देखते ही देखते आग में तबाह हो गया लग घाटी में 2.5 मंजिला मकान, लाखों का हुआ नुकसान। हिमाचल में 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 55 नए मरीज। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने धोखे में रखे सैकड़ों कैंडिडेट, एक ही दिन में ले ली परीक्षाएं। हिमाचल बना सैलानियों के आकर्षण का केंद्र, वीकेंड पर होटल में रही 70-80% ऑक्यूपेंसी। और सर्द होने लगी रातें प्रदेश भर में, 16 अक्टूबर तक साफ बना रहेगा मौसम। और खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार और हेराफेरी ज्यादा समय तक नहीं छुपाई जा सकती, और जब यह उजागर होती है तो सबको पता चल ही जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनआईटी हमीरपुर के डायरेक्टर विनोद यादव की, जिन्हें संस्थान में किए गए घपलों के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। अनियमितताओं के चलते जांच की जद में आए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद यादव को प्रारंभिक जांच में दोषी पाया गया है। इसे देखते हुए उन्हें सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसके बारे में आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि जुलाई में उन्हें संस्थान के निदेशक पद से हटाया गया था। सेवा से बर्खास्त किए गए प्रोफेसर यादव को अब केवल अगले 3 माह की बेसिक सैलरी मिलेगी। उनकी बाकी सभी सहूलियतें वापस ले ली गई है। बता दें कि 23 मार्च 2018 को प्रोफेसर विनोद यादव को एनआईटी में बतौर डायरेक्टर नियुक्ति हुई थी। उनका कार्यालय 5 साल के लिए वर्ष 2023 तक का था। 13 जुलाई 2020 को प्रोफेसर यादव के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। एआईसीटी के चेयरमैन स्वयं मामले की जांच के लिए एनआईटी हमीरपुर पहुंचे थे और लगातार 3 दिन तक मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। गैंगरेप के मामले ना सिर्फ यूपी के हाथरस में होते हैं, बल्कि यहाँ भी ऐसे दरिंदों की कोई कमी नहीं है जो बेटियों की इज्जत को तार तार करने से गुरेज करते हो। ऊना जिला के एक गांव में ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। ऊना जिला के एक गांव में 22 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने गांव के ही 3 युवकों पर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि आरोपी युवकों में से एक ने उसे बहला फुसला कर घर से बाहर बुलाया, जिसके बाद 3 आरोपी युवकों ने मिलकर डरा धमका कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने युवती को इस घटना के बारे में किसी को ना कहने की धमकी दे डाली। वारदात के बाद घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को इस संदर्भ में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पीड़िता को साथ लेकर महिला थाना ऊना पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी अनिल मेहता ने बताया है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपी युवकों के खिलाफ गैंगरेप के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। जिला ऊना में एक महिला द्वारा 3 युवकों पे आरोप लगाया गया है, जिनके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप महिला ने लगाया है। ये मुकदमा वुमेन पुलिस स्टेशन ऊना में रजिस्टर हुआ है और जो आरोपी 3 युवक है उनको पुलिस ने अप्रिहेंड किया हुआ है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री अबव 90% फॉर बीटेक, एमटेक, बीएचएमसीटी एंड एमटीटीएम। 20% डिस्काउंट इन ट्यूशन फी एंड 100% इन सिक्योरिटी फॉर ऑल द न्यू एडमिशन इन यूजी एंड पीजी कोर्सेज फॉर फुल कोर्स। University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM,
डीफार्मा, बीफार्मा, बीकॉम, बीकॉम ऑनर, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, बीसीए, एमसीए, बीएससी, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, एमएससी, होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंडी में आज केंद्र सरकार को घेरने के लिए आयोजित रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां किसान के विरोध में रैली का आयोजन किया गया, लेकिन रैली के बीच ही शक्ति प्रदर्शन हो गया। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी भी जग जाहिर हो रही है। मंडी में किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने की। आज ट्रैक्टर के माध्यम से कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल विपाशा सदन पहुंचे। रैली की शुरुआत में कुछ देर के लिए कांग्रेस नेता भी शामिल रहे, लेकिन बाद में वे प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला को लेने हेलीपैड चले गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में आयोजित कांग्रेस की किसान संवाद रैली में खूब हंगामा हुआ। किसानों के हितों के लिए रखी गई रैली में कांग्रेस नेता अपनी ही गुटबाजी करते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की टीम के बीच खूब कंपटीशन देखने को मिला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के आते ही माहौल गर्मा गया। सुक्खू अपने समर्थकों के साथ विपाशा सदन पहुंचे। उनके साथ आए कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। जिस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू विपाशा सदन पहुंचे, उससे कुछ देर पहले ही कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और अन्य नेता मंच पर पहुंचे थे, जिससे माहौल और गर्मा गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक मंच के पास खड़े होकर जोरदार नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक सुक्खू के समर्थन में नारे लगते रहे। इसे परंपरा का हिस्सा कहें या जगह की कमी, मगर कुछ भी हो, जब लापरवाही हो जाती है तो लाखों का नुकसान होता है। जिला कुल्लू समेत कई भागों में आज भी किसान अपने मवेशियों का चारा वहीं रखते हैं जहां वे खुद रहते हैं, यानी पशु और पशु चारा के लिए अलग से कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया जाता। ऐसे में जब भी किसी लापरवाही के कारण आगजनी होती है तो घरों में लाखों का नुकसान होता है। देखते हैं जिला कुल्लू के लग घाटी से आगजनी की यह रिपोर्ट। जिला कुल्लू के साथ लगते लग घाटी के पवनक गांव में एक ढाई मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। मकान में घास रखा होने के कारण आग तेजी से भड़की। आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने मकान को अपनी चपेट में ले लिया था, इसलिए आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल था। दमकल विभाग के अधिकारी दुर्गा सिंह ने बताया कि सुबह सवेरे पूरी टीम के साथ वे मौके पर पहुंच गए, लेकिन मकान में घास होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि मकान देखते देखते पूरी तरह से जल गया। हालांकि मकान के आसपास के घरों को नुकसान होने से बचा दिया गया है। आग लगने से करीब 2 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया। आज पूरे विश्व में मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। इसी मौके पर दिव्य हिमाचल टीवी ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के विशेषज्ञ व प्रभारी डॉक्टर रमेश कुमार से बात की। हमने जब कोरोना काल में बढ़ते मानसिक तनाव पर उनसे प्रश्न कहा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। हाँ, ये बात सच है कि कोरोना काल में मानसिक समस्याएं बढ़ी है और कई कारण हो सकते हैं, तो इनके से निजात पाने का ये तरीका है कि अगर किसी को भी परेशानी हो तो एक तो अपने जो सगे संबंधी हो, जो विश्वसनीय लोग हों या विश्वसनीय दोस्त हों, उनके साथ अपनी समस्या को साझा करें और जितना हो सके अपनी दिनचर्या जो पहले से कर रहे थे उसको मेंटेन करके रखें, जैसे व्यायाम करना, सैर करना या योगा वगैरह करना, ये सारे करते रहें और नींद पूरी लें, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लें और ये पौष्टिक खाना खाएं और ये नशे, बीड़ी, सिगरेट, शराब और अन्य नशों से दूर रहें और कोशिश करें कि जो मन विचलित करने वाले खबरों को कम से कम सुने और कोरोना के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है या तो सरकारी
सोर्सेज से लें या WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से ही लें, और क्योंकि आजकल बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कोरोना के बारे में दे रहे हैं, वो जरूरी नहीं है वो सारे सही हो। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश में 3 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। देखिए ये कोरोना अपडेट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 3 कोविड पीड़ितों की मौत हो गई। इनमें नियरचौक मेडिकल कॉलेज में कुल्लू की 82 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हो गई। हमीरपुर के 42 वर्षीय पॉजिटिव व्यक्ति कोरोना को नहीं हरा पाए, उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। इसके अलावा किन्नौर के 29 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। वहीं अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश में 55 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें कोविड पीड़ितों में कांगड़ा जिला के सबसे ज्यादा 28 मामले सामने आए हैं। बेरोजगारों के साथ इससे भद्दा मजाक भला क्या हो सकता है? एक जिम्मेवार एजेंसी एक ही दिन में 2 चयन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को बुला ले। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने आज शनिवार को ऐसा ही किया, जिससे कई लोग एक ही परीक्षा दे पाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शनिवार को मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन में एक ही दिन 2 पेपर होने से अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई सेंटर में आधे से अधिक अभ्यर्थी एक ही दिन में 2 पेपर होने से गैर हाजिर रहे। इसके चलते हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की कार्य प्रणाली को लेकर बेरोजगार युवाओं ने गहरा रोष व्यक्त किया है और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि भविष्य में जब कभी भी एक से अधिक पेपर हो तो उसके लिए संयोजन तरीके से प्लान तैयार किया जाए, ताकि कैंडिडेट किसी भी परीक्षा का पेपर देने से ना चूके। सुंदरनगर के एंजल पब्लिक स्कूल में भी सुबह के समय स्टोर कीपर के पद के लिए और इवनिंग सत्र में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सुबह के समय 300 में से 150 भी युवा पेपर देने नहीं पहुंचे। जाने कब खत्म होगा, मगर लोगों को इसी के साथ जीना पड़ेगा। ऐसे में पहाड़ों की रानी शिमला में शनिवार के दिन पर्यटन कारोबारियों के लिए लकी साबित रहा। वीकेंड के चलते यहां पहुंचे पड़ोसी राज्य के टूरिस्ट ने खूब मस्ती की और होटलों में भी फुल ऑक्यूपेंसी रही। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल के पहाड़ सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर इस वीकेंड में भी सैलानी ही सैलानी दिखे। वीकेंड पर 2 अवकाश होने के चलते दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा से काफी संख्या में मेहमान देवभूमि पहुंचे हैं। सैलानियों को देखकर पर्यटक कारोबारी चहक उठे हैं। प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर वीकेंड में होटल सैलानियों से जैम पैक रहे। होटल में ऑक्यूपेंसी दर 70-90% तक रिकॉर्ड की गई। हालांकि बीते वीकेंड की तरह इस वीकेंड पर भी एडवांस बुकिंग देकर होटल कारोबारी ऑक्यूपेंसी दर 90-100% तक रहने की संभावना जता रहे थे, मगर उतने पर्यटक नहीं पहुंचे। सैलानियों की आमद को देखकर पर्यटन कारोबारी संतुष्ट जरूर है। तो आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रातें सर्द हो गई है। केलांग का न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 3.4 डिग्री तक पहुंच गया है। केलांग के साथ साथ कल्पा व मनाली में भी न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 60 डिग्री से नीचे आ गया है। ऐसे में रात के समय ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 16 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिली होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। शनिवार को सुंदरनगर, नाहन, सोलन, केलांग व डलहौजी को छोड़कर समूचे प्रदेश में तापमान में गिरावट आंकी गई है। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। भुंतर, धर्मशाला, कांगड़ा व चंबा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 1 डिग्री की गिरावट आई है। और अब चलते चलते भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा रखेंगे 6 जिला कार्यालय की आधारशिला। नूरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, देहरा, सुंदरनगर और कुल्लू में खुलेंगे भाजपा के ऑफिस। केंद्रीय कैबिनेट लेगी लूरी प्रोजेक्ट का फैसला। 660 मेगावाट की परियोजना को चाहिए 1620 करोड़ रुपए। 80% आत्महत्या मामलों में मनोरोग बड़ा कारण। 15-30 वर्ष की आयु वाले लोगों में ज्यादा खतरा। मंडी के युवक का मोहाली में मर्डर। दोस्त के बर्थडे पार्टी से लौट रहे सरकाघाट के युवक पर दागी गोलियां। आरोपी गिरफ्तार। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।